नूर महल के महाराजा जसवंत सिंह जी ने जूना नगर के राजा विक्रम सिंह जी से अपनी दोस्ती पुष्ट दर पुष्ट कायम रखने के लिए जूना नगर के राजकुमार विजय सिंह के साथ अपनी नवजात बच्ची यानी चित्रा और जूना नगर की राजकुमारी राधा के साथ अपने राजकुमार मोहन सिंह से बचपन में ही मंगनी पक्की कर दी। मगर जसवंत सिंह जी के छोटे भाई सेनापति वीर सिंह को भला ये कैसे बर्दाश्त होता कि वो आजन्म एक साधारण सिपे सालार ही बनकर राज्य की सेवा करता रहे। इसलिए उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने के लोभ में एक रात
प्यारे वीर सिंह ने जूनानगर के महाराज विक्रम सिंह जी को भी कैद कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने ही भतीजे मोहन सिंह की मंगेतर जूनानगर की राजकुमारी राधा का हरण करके एक दिन है कोई मर्द का बच्चा जो वीर सिंह से मुकाबला करने की हिम्मत का हो? कोई नहीं। इसे ले जाकर कैद खाने में डाल दो। चलो बेटे। जी सिंह की जय। जी सिंह की जय। जी सिंह की जय। जी सिंह की जय बोलने से पहले विजय से टक्कर लेनी होगी। ओ विजय सिंह, सिंह का बेटा, खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ाया वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे बाप की हुई है। आज ये मुझसे बच के जिंदा नहीं जा सके। मुझसे पहले तुम्हें अपनी बहन की जान लेनी होगी। आओ अलाव होगी अलाव। रुक जाओ बेटा, आगे कदम न बढ़ाओ। ये वीर सिंह वही जालिम है जिसने न सिर्फ तुम्हारे ससुर जसन जी का खून किया बल्कि तुम्हारी होने वाली मंगेतर भी मौत के घाट उतार दिया। रुक जाओ। तेरी मौत मांगते हो या कल्ला। तो वाला बेटी मेरे की
वाले तुम लोग से क्यों डरती हो? राजकुमारी अब मेरे रूप में तुम्हें कौन बनू? नजीब सिंह को बकवास बंद करो। यहाँ आने की तुम्हारी जरूरत कैसी? तुम्हें नहीं मालूम राजकुमारी राधा हमारी नजर बंद है? यहाँ का लादा तो मैं हूँ। तुम का नाम देव नजर बंद करने वाले फूल दीवानों के लिए नहीं दिल वालों के लिए खिलते। दिल वाले दीवाने होते पापा जी। खामोश चाचा जी के बच्चे देखा इसकी पागल पर लड़कियों के जैसा रोता है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो पहले था पागल के लिए पागल तो आपने बनाया उसे। पछताओगी राधा। तुम्हारी का जन्म ही पछताने के लिए होता है। एक बार जिसे चाहती है जिंदगी भर निभाती है। लेकिन हमने भी तुम्हें अपना बनाने का फैसला कर लिया। आप बड़े हैं आपके लिए ऐसा सोचना पाप है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट हजारों पाप धो सकते हैं राधा धो सकते हैं।
उनसे पूछो अच्छी बात।
आप ही बता दीजिए। बेचारे को गिर है। अरे ये तो पुतली है, मुझे बेवकूफ बना दियो। अरे तुम यहाँ छुप कर क्या कर रही हो? जरा अपनी शक्ल तो देखो। अरे शक्ल में क्या खराबी है? बिल्कुल गुलफाम जैसी है। तुम जरा अपनी शक्ल तो देखो। देखिए सब पर मालूम होती है। सब पर ही? अच्छा तो जो गाना सब परी ने गुलफाम को अंगूठी पहनाते वक्त गाना पड़ा वो तो सुना दो। गा दो। गाओ। मेरी आज है पहली रात भजन सिंह साथ चांद छुप जाना तेरा नैन से नैन मिलाना। ओ मेरी आज है पहली रात भजन के साथ चांद छुप जाना ओ मेरा नैन से नैन मिलाना ओ मेरा नैन से नैन के मुंह में पहुंच गए।
गए, अभी तक उन लाशों का पता न चल सका, पता न चल सका। लेकिन लेकिन वो दर्द भरा गीत कौन गाता है? मैं भूलना चाह, कौन गाता है गीत? ये भी एक राज है, हर रोज रात के ठीक 2 बजे फिर उसी तरह एक चीख की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं ये उसी बदनसीब राजकुमारी की आवाज है जो इस नूर महल के दर दीवार के अंदर आंधी और तूफान अपने महबूब को पुकारती फिरती है। लेकिन कहां से आती है और कहां जाती है, ये एक राज है जो अभी तक राज बना हुआ है। लेकिन अब आसमानों का क्या होगा? इस राज का पता लगाना बहुत मुश्किल है विजय। आज तक बड़े बड़े दीदार, खूबसूरत मजनू फरहाद इस दिल फरेब रूह के पीछे भटकते रहे, लेकिन आज तक किसी ने पता नहीं पाया। अच्छा ये बताओ, वो मालूम कौन है जो कब्रिस्तान में भटकती रहती है? ये मालूम की कहानी भी बिल्कुल नूर महल की कहानी की तरह अजीब और गरीब है। नूर महल के बूढ़े माली बाबा ने कब्रिस्तान से उसे पाया था आज से 20 बरस पहले। बेचारी गूंगी है, बोल नहीं सकती। हो ना हो, मुझे यकीन है ये मालूम उस रूह के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता रहती है। लेकिन लेकिन बेचारी गूंगी है, बोल नहीं सकती। इसीलिए तो ये राज राज बना हुआ है। अगर मैं उस मालूम को बोलने पर मजबूर कर दूं तो? लेकिन वो पैदा से गूंगी है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। अजीब समस्या, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। देखिए आप ज्यादा समझने की कोशिश ना कीजिए, आधी रात हो चुकी है, अभी जाइए और जाकर सो जाइए। चलिए सोना और क्या जागना, ख्वाब सा मालूम हो रहा है। चलिए चलिए जाकर सो जाइए। तुम अभी तक सो नहीं बचे, तीन पहर रात गुजर चुकी है। हमें कल सुबह महाराज और राधा का पता लगाने जाना है। सो जाओ। चलो चलो सो जाओ। सोया सोया। जान बची और लाखों पाए। देखो तुम लोग यहीं छुप जाओ, मैं अंदर पिताजी को देख कर आता हूँ कि कहाँ कैद किया है। मगर राजकुमार रशिनी और चमेली का क्या होगा? अरे वो तुम लोगों की तरह पागल नहीं है, उन लोगों ने अब तक तो सबको बेवकूफ बना दिया। हो जाओ 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 जाओ। Thank you.
मुझे गले बाद में लगाना।
मैंने अपने इस लाल को तो गले से लगा लिया। अरे बाबू तू तो बड़ा होशियार है बेटे। ना ये मुन्ना, ये क्या हो रहा है? काम रहा है? इतनी देर क्या मौत खा गई तुमने? सारा शहर भूल मारे, पांव उछाले पड़ गए और तू यहाँ मजे कर रहे? चल घर चल। अरे कहाँ ले जा रही है? अगर तू है तो मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसकी माँ हूँ? अरे तूने मुझसे शादी कब की? इसकी माँ तो वो समझे आग लगे तेरे मुंह में, शादी करे तुझसे तेरे बाप। माँ की बच्ची हमारी ही बिल्ली और हनी से न्याय पता, तूने ये शराब करने की हिम्मत कैसे की? रोज रोज के झगड़े का खात्मा करने के लिए नहीं तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए पाले पोते बेटे का इंतजाम किया। पाले पोते बेटे का इंतजाम कर दिया तो इतने दिनों तक तू मुझे उल्लू बनाती रही। सुन, अब तक बच्चा ना पैदा होने के लिए झगड़ा होता था और अब दूसरी शादी के लिए झगड़ा होगा। शादी? तो क्या तुम्हारा दूसरी शादी करने का इरादा है? मेरा यही इरादा है। तो इसका क्या सबूत है कि दूसरे आने वाले बीवी की बच्चा हो ही जाएगा? अरे मैं मर्द हूँ और जबान का पक्का हूँ, इस बाप की बेटी से शादी करूंगा उससे पहले लिखवा लूंगा कि सुन भाई, मुझे दहेज में सोना चांदी रुपया आना पाई घोड़ा कुत्ता बिल्ला चूहा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बीवी के साथ एक बच्चा चाहिए। क्या तुम बीवी के साथ बच्चा भी लाओगे? अरे लाऊंगा क्या, लेने जा रहा हूँ। मान जा मेरे सत्ता, मैं आपका हाथ जोड़ती उम्र गले पर है मगर मैं नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ एक बच्चे वाली बीवी लाने के लिए। इस तरह भूख और प्यास से कब तक मुक्ति होगी राजकुमारी जी? पेट को भाड़ा नहीं दोगी तो दिमाग कैसे चलेगा? बिना पति से छुटकारा कैसे पाओगे? तुम लोगों को दिमाग की सोच रही है? मेरा तो दिल धक धक कर रहा है। इसने मेरे नसीब कहा है कि जिसे मैं चाहूं वो मेरे पास हो। तो जानी फिर आ गया, चलो हम चले। आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? तो मुझे कम नहीं करना, अभी मैं जोर करके मर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये कम नहीं हो सकता। जिससे हम मोहब्बत करें वो दिल का इतना प्यार नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई विजय सिंह और हमारी मिट्टी में, तुम भी तो मूत के हाथ में करो यार। नहीं तो ये कुमार आओ मेरे साथ और देख लो। टाटा जी, ये मेरी होने वाली धर्म पत्नी है, आपको इनके पास इस तरह बर्तन नहीं करना चाहिए। नहीं तो मुझे लाल पत्तों का हाथ इस्तेमाल करा तो लगा। तुम तो तुतलाते थे, बोलते थे पर तुम्हारी डर के मारे राजा भी हूँ। मेरे चाचा जी जो यहाँ के सेनापति हैं, उन्हीं ने मुझे पागल मशहूर करके खुद रास्ता चलाते हैं। मेरा एक काम करोगे? एक शर्त पर। शर्त? वो क्या? मुझे मेरी राजगति दिला सकोगे? मंजूर। क्यों कहिए कि शेर मछली की जाल, हम तेरी सब चाल समझते हैं वीर सिंह। हमारे राज्य के साथ साथ हमारी राजकुमारी को भी पाना चाहता है। दूर हट जा हमारी नजरों के सामने से, हम सुस्ते तो क्या तेरी परछाई से भी नफरत करते हैं। और हम आपकी हर गुस्ताखी को प्यार करते हैं, इसलिए क्या आप राजकुमारी के पिता? मैं राजकुमारी को अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ और एक लायक दामाद होने के नाते मैं आपको कन्यादान का शुभ अवसर देना चाहता हूँ।
हम तेरी बेहूदी हरकतों पर खुलते हैं। इस हरकत को हकीकत में क्यों नहीं बदल देते महाराज? देख किस बात की है। तेरी दलील तमन्ना और जन्म भी पूरी नहीं होगी। पूरी होगी और इसी वक्त होगी। Yeah!
नूर महल में ना आया करो। लेकिन तुम सुनते नहीं और बार बार चले आते हो। ये नूर महल एक दिन तुमको पागल कर देगा, पागल। तुम यहाँ क्या है ये नूर महल? मगर मगर कुछ नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं। चलो चलो चलो। मगर
Hello.
बचाने की बात नहीं, हम विजय सिंह को पकड़ लाए हैं। ये भी उससे जुड़ा हुआ है। पहले इसकी खातिर मेरी निगाह के सामने से पलटा भैया, खबरदार जो मुझे भाई कहा तो मुझे समझने की कोशिश करो भैया। आज पैदा होने से पहले तू मर गई होती तो तेरे बाप को आज ये दिन न देखना पड़ता ना तेरे भाई को। मैं कसम खा के कहती हूं भैया, मैं बेहतर हूं। तो नाशी, इस शैतान के गले में पाहे डालने से पहले तेरे हाथ क्यों चल गए? अपने बाप समान मंगेतर के गले में पाहे डालने से पहले उसके खन गले में फांसी का फंदा क्यों नहीं बांध दिया तूने? आज तक हमारे खानदान की औरतें अपने आप को चहल की आग में जलाना सीखा था, और तू है, और एक तू है जिसने अपने बाप के बुढ़ापे की सफेदी के ऊपर बदनामी की कालत बरती। तूने जो कुछ किया है वो तो एक वेश्या भी करने में हिचकिचाएगी। राधा जैसे पवित्र नाम को तूने अपवित्र कर दिया है, उस राधा को जिसे आज भी भारतवर्ष के 40 करोड़ आदमी सुबह श्याम राधा कृष्ण कहकर जपते हैं। जा मेरे सामने से, मैं तुझे उल्टा का बाप कहलाने में भी शर्म महसूस करता हूँ। भगवान मेरी हालत को तो आप समझने की कोशिश करो भैया। वे तुम्हारी हालत क्या समझेंगे? सुनाओ राधा। मालूम मेरे लिए पानी नहीं होंगी और तुमने उसे कहीं भगा दिया। क्या भगा दिया? वो जब से यहाँ आए हो सपना देख रहे हो या कुछ और भी? ये भी सपना, वो भी सपना, तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि इस वीराने जंगल में इस हंटर वाली के सिवा किसी और लड़की का रहना नामुमकिन नहीं बल्कि असंभव है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर सो जाओ। नींद नहीं आती। ओहो, मैं कहती हूँ सो जाओ। नींद नहीं आती ना। अच्छा तो मेरा नाम लेके आज रात सो जाओ, आराम से नींद आ जाएगी। समझे? हंटर वाली, 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 सो जाओ।
वो कौन सा उपाय है? वशीकरण मंत्र द्वारा योगियों को वश में करना होगा, परंतु ये महाभयानक कार्य शायद तुमसे नहीं हो सकेगा, शायद तुमसे नहीं हो सकेगा। अरे कैसे नहीं हो सकेगा? अरे महाराज, अरे मैं मुक्का मारकर पापड़ तोड़ सकता हूँ, ताली बजाकर चिड़िया उड़ा सकता हूँ, रोटी का टुकड़ा दिखाकर कुत्ते को बुला सकता हूँ, जब इतने महाभयंकर काम कर सकता हूँ तो ये झोपड़ियों को वश में करने का मामूली काम नहीं कर सकता। तो सुनो, कहो, आधी रात के वक्त शमशान भूमि में जाकर चलती हुई चिता पर मनुष्य की खोपड़ी को बाप अपने कलेजे में छुरी मारकर दादा और चिता के जलते हुए अंगारों पर उस खोपड़ी के खून को पकाना होगा। बाप और उस खून को गिरियों के प्रकट होने पर Hey!
बाला रे बाला झाला रे झाला राधा गोरी गोविंदा काला खाया माखन कहीं थोड़ी मत की माया शोभे बड़ा देख ले तू दिया राह चल मन भो तेरा पाला रे प्यार झाला रे झाला राधा गोरी गोविंदा पाला माना श्याम गोविंद गिरधार काना नाम उसके जपे सब जमाना श्याम गोविंद गिरधार काना मन को चैन आना उसको देखे बिना ऐसा जादू है तुझ उसने डाला रे प्यार झाला रे झाला राधा गोरी गोविंदा काला प्यार झाला रे झाला राधा गोरी गोविंदा काला राधा गोरी गोविंदा काला
मैंने कितने बार मना कि तुम नौटंकी मंडली में मत जाओ, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके सिपाही निकम्मे निकले। सिपाही निकम्मे निकले? अच्छा तुम कपड़े बदल कर फौरन आ जाओ। तो हंटर वाली ये मजा इस बार दिखाई दे दे। मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते मुझसे, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अगर अब भी तुम और अपने साथियों की जान जोखिम में डालना नहीं चाहते तो कल सूर्य अस्त तक महाराज और राजकुमारी को लेकर काला पहाड़ के पीछे पहुंच जाना। हमारे सामने नादान और बुद्धि नहीं है राधा, तो तुम्हारे तरह नर्तकी बनकर आम लोगों का दिल नहीं डाला। संभाल संभाल कर बात करो, ये ना भूलो कि इस वक्त तुम हमारी मुट्ठी में हो, मैं जब चाहूँ तुम्हें शहीद कर सकता हूँ। शहीदों की क्रंताएं कभी शांत नहीं होती देखो, शहादत का ताश तो उन लोगों के सिर पर जट मंगाता है जो हार जीत की परवाह किए बगैर अपने इरादे पर अटल होते हैं। तो हम भी अपने इरादे पर अटल, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं है देश से, देश की भलाई के लिए आजादी के दीवाने इसी तरह जान दे दिया करते हैं। वीर भगत सिंह, तिलक और महात्मा गांधी जैसे देशभक्तों की हत्याएं तुम जैसे घटा रहे थी, तो मैं तुम्हारा भी नाम निशान मिटा देता। होगा तैयार। तुम भूल करते हो देश से
दुनिया में हंटर वाली पैदा होती रहेगी और आगे भी पैदा होती रहेगी, ताकि तुम जैसे नीच और कमीना और राजपिता के भूखे भेड़ियों का खात्मा कर सके। मैं पहले तेरा ही खात्मा किए देता हूँ। ये दासी को प्रणाम करती मैं बोलता हूँ। ये पसंद है? अरे तो समझी ना पूछिए, कहने की तरह कमर मोर और स्वाही को मिलाकर बनी हुई गर्दन, दोनों को देखकर मेरा दिल और फेफड़ा उछल रहे हैं। शादी, मैं तो शादी करने को तैयार हूँ। भैया शादी करने तो कह रहे हैं, मैं इनसे तो क्या इसी तरह शादी ना करूंगी। अरे भाई इधर आओ, वो तो इंकार कर रही है कि वो तुम्हारी हुक्म नहीं मानती। मैं किसी के हुक्म पर नहीं चलती। हाँ मैं आती हूँ तो अपने हुक्म पर, जाती हूँ तो अपने हुक्म पर। चलो चला दो। कैसे उन्हें शादी होगी? मेरी अभी तो ये नहीं है, तुम्हारी है। बहुत बड़ा मान से ताल्लुक रखती है। फिर भला शादी से पहले एक हाँ कैसे कह देगी? अभी तो आपने इसे देखा है, अब जरा ये भी आपको देखे और समझे, फिर मैं अपना फैसला सुनाए। हाँ बहन, अब तुम भी अपनी तसल्ली कर दो, फिर मैं कहना कि एक शरीफ भाई ने एक शरीफ बहन को कुएं में धकेल दिया। मुझे तो शर्म आती है। शर्म? हाँ शर्म तो आनी चाहिए, खानदानी लड़कियों का शर्म ही तो सबसे बड़ा जहर है। प्यारे नीली छतरी वाले, ये औरत का प्यार है या किसी डहर का? अरे छोड़ मुझे। छोड़ रुकने लगी था मेरे प्यारे। प्यारे आंखें राजा तेरे आज फिर तुम कमबख्त की मौत आई है मेरे सरताज। आज फिर मैंने हंटर वालों को भगाने में मदद नहीं दी, इसीलिए मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम उसे भगाने में मदद न कर सको। मगर वो तो मेरा शिकार है, मैं तो उसे उस पार पहुँचाऊंगी। तो ये लो बंदूक और कर दो उसका काम समाप्त। ना 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 ना, इतनी जल्दी क्या है मेरे सरताज? पहले जो मैंने आपसे वादा किया है वो तो पूरा होने दीजिए। कैसा वादा? खून का। खून का? किसके खून का? हंटर वाले के खून का। इंतजारी किस बात की है, दुश्मन को ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए। मेरे निया का डब्बा गुल। अरे क्यों आई हो? मुझे खाने आई हूँ। क्या तुम आलम खोर हो? तुम भी तो हराम खोर हो। ये तुम नहीं बोल रही, आखिर तुम कौन हो? मैं तेरी माँ हूँ। मैं अपनी नई बहू को साथ ले जाने के लिए आई हूँ। तुमने मेरे पहली बहू के रहते दूसरी शादी की है। मैं तुम्हें बद्दुआएं देती हूँ कि तुम मुर्गा बन जाओ। छुई मुई छू। मुर्गा ताजा और मोटा है, इसे हलाल करना चाहिए। अच्छी बात है, छुई मुई छू। बोल, अब तो दूसरी शादी नहीं करेगा? मैं तो जान मेरा बाप भी नहीं करेगा। अच्छी बात है, तो मेरे पाँव पर नाक रगड़। अब इसे माफ कर दो बहन, ये सुधर गया है। मुझे माफ कर दीजिए सरकार। तू तो मेरी माँ बन रही थी, ये सरकार तार क्या बन रही है? आपको सुधारने के लिए सब ढोंग किया था। आपकी जो नई दुल्हन है वो तो मेरा भाई है। अरे मान गया तुम दोनों भाई बहन को। अरे हाथ गया बाजार गया, हाल ले गया ताला, हाथ गया
देने गया ताला, अरे ताला वाला भूत के पीछे पड़ गए जोर, ताला ताला जोर गया। अब क्या होगा, वो कम्बख्त तो अंतरवाली को मारने की तैयारी में। हमें अंतरवाली को जेल से छुड़ा कर भगा लेना चाहिए। ऐसे भी कभी नहीं करना, वरना हम सब लोग की मौसी की लड़की की लड़की से लड़का होता सरकार। बारिश नहीं होने की वजह से बेकार हो सरकार, मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन महल में आने की हिम्मत कैसे। आपकी मौसी छोड़ रही थी। किसी राजकुमार को मालूम पड़ता है जिसमें कोई राज है। ठहरो, ठहरो। Thank you.
हम तुम्हें जान गए, खूब पहचान गए, तुम हंसी भूल
तुम लोग जानते हो कितना दिल है तुम्हारा, तुम लोग जानते हो कितना दिल है तुम्हारा। हम क्यों तुम्हें बताएं क्या नाम है हमारा, हम क्यों तुम्हें बताएं क्या नाम है हमारा। तुम्हें बताए क्या नाम है हमारा, जी हम जो तुम्हें बताए क्या नाम है हमारा। कहते हो किस गली में क्या नाम है तुम्हारा, जी कहते हो किस गली तुम्हें बताए क्या नाम है हमारा।
रहे हो किस गली में, क्या नाम है तुम्हारा, जी रहते हो किस गली में, क्या नाम है तुम्हारा, जी रहते हो किस गली में, क्या नाम है तुम्हारा, रहते हो किस गली
तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कराने के लिए पापों का प्रायश्चित नहीं सेनापति जी आपकी बात की मेरे साथ मेरी मौत मेरी मौत देख रहे हो इस नकाबपोश लड़की की तरफ ये वही छूने वाली बच्ची है जिसके खून तुम अपने भाई की हत्या करने के बाद करना चाहते थे और ये है वो दो अनजान हाथ जिन्होंने इसकी परवरिश और इसे हंटर वैली का खिताब दिया हंटर वैली मुझे माफ करो मैं आपकी शरण में हूँ मुझे माफ करो मैं अभी तुम्हारे इन नापाक हाथों को महामंत्री जी आज तक आपने राज आखिर छुपा कर क्यों रखा नहीं बेटी ऐसी बात नहीं मैं तुम्हें दुष्ट वीर देंगे बच्ची देखी बात पहले अपने बड़े भाई की हत्या से और तुम्हें भी ठीक करना चाहता यहाँ तक कि मैं उनकी मने पर तो मैं अपनी बीवी बना लू कहा बहुत ही गुनाहगार हूँ मेरी बच्ची मैं बहुत गुनाहगार हूँ मेरी सजा मेरी सजा मेरी लेकिन महामंत्री जी अक्सर लोगों से सुना है कि नूर महल में एक मालन और एक रू भटका करती थी आखिर वो कौन थी ये सब अंजर वाली तो आज तक हमारी राजकुमारी नकाबपोश बनकर हमको धोखा देती रही है लेकिन आज मैं दुनिया वालों को बता दूंगा कि यही हंटर वाली थी यही नकाबपोश थी यही मालन थी और यही रूह थी
खुशी।